इस वक्त मैं झारखंड की उपराजधानी दुमका में हूं। दुमका में शिबू सोरेन के आवास पर हूं। शिबू सोरेन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हैं, राज्यसभा सांसद हैं। आप सब जानते हैं कि शिबू सोरेन का जन्म स्थल भले ही नेमरा रहा हो रामगढ़ का, लेकिन उनका जो कर्म स्थल है, जो आंदोलन खास करके जिन इलाकों में किए, वो संथाल की धरती रही। और शिबू सोरेन के जब आवास पर आप पहुँचिएगा तो आपको ये हरी रंग की एक गाड़ी दिखेगी, जीप ये दिखेगा, और इस जीप से कई कहानी जुड़ी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग बताते हैं कि शिबू सोरेन जब यंग थे और संथाल परगना के इन इलाकों में महाजनों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, तब दो पहिया के बाद जब चरपहिया पर चढ़े थे तो यही वो जीप थी, और खुद से ड्राइव करते थे और बहुत शानदार जो है चालक भी वो माने जाते हैं। आप सब जानते हैं कि हेमंत सोरेन जब मुख्यमंत्री थे तो वो भी खुद से कार ड्राइव करके आते जाते थे। मतलब गाड़ी चलाने का शौक पिता और पुत्र दोनों में है। और इस गाड़ी की क्या कुछ खासियत है हम जानेंगे। हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता हैं, मनोज पांडे हैं, धीरज दुबे जी हैं। ये गाड़ी आप लोग सहेज के रखे हैं, कितनी पुरानी ये पुराना ये जीप है? देखिए, बहुत यादें जुड़ी हुई हैं इस जीप के साथ। मुझे लगता है जब अर्ली 70s में, 70 के दशक में आंदोलन चरम पर था, गुरुजी को पुलिस खोजा करती थी और जंगलों में दुरू क्षेत्रों में वो घूमकर सभी लोगों को एकजुट कर रहे थे महाजनी प्रथा के खिलाफ और अलग राज्य के लिए एक संघर्ष, उसकी गवाह है ये जीप। तो ये 70s का एक्चुअल तो यार मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन 72-73 आया होगा ये जीप। जी बिल्कुल, जब आया था उस समय। उसके पहले तो गुरुजी मोटरसाइकिल, राजदूत मोटरसाइकिल से चला करते थे। उसके बाद जब चरपहिया वाहन आया तो ये जीप, और वो खुद चलाते थे, उनको चलाने का शौक था, बहुत अच्छा ड्राइविंग करते थे। हम लोगों ने बाद में 80s में हम लोगों ने देखा गाड़ी कितना शौक से वो रखते थे, चलाते थे। और ये जीप जिस समय था, उस समय तो वो मोस्ट वांटेड में आते थे आंदोलन के दरमियान कई केस मुकदमे, और झारखंडियों के लिए जो लड़ाई लड़ी जंगलों में रहा, उस समय ये जीप ने उनका बहुत साथ दिया। कई एक समय पुलिस पीछे पड़ी रहती थी वो जंगलों में, क्योंकि यहाँ के जंगलों से, रोड सड़क से जितना वाकिफ वो थे, कोई पुलिस प्रशासन उनका पीछा नहीं कर पाता था, कब किधर से निकल जाए कोई नहीं जान पाता था। तो ये जीप उस समय की गवाह है और इसलिए यादगार के रूप में सोरेन परिवार ने इसे सहेज कर रखा है। तो बिल्कुल, देखिए शिबू सोरेन से जुड़ी संथाल परगना में खास करके कई कहानियाँ जो है प्रचलित है। पुलिस जब उन्हें खोजा करती थी तो मंच पर जब शिबू सोरेन बैठते थे तो उनके साथ एक साथ कई शिबू सोरेन बैठ जाते थे। मतलब उनके हम शक्ल जो दाढ़ी और बाल बढ़ाकर अभी भी रहते हैं, उस समय भी रहते थे, तो कई लोग एक ही तरीके के रहते थे और पुलिस भी नहीं पहचान पाती थी कि इसमें ओरिजिनल शिबू सोरेन कौन है, और फिर वो वहाँ से निकल जाते थे। ये बता रहे हैं कि यही जीप जो है जिससे पूरे संथाल परगना की ज़मीन, झारखंड की ज़मीन शिबू सोरेन ने नापी, और आज जो है उन्हें दिसुम गुरु के नाम की उपाधि से भी कहा जाता है। आप पूरा देखिए जीप, आपको दिखाते हैं कि किस स्थिति में है। हालांकि खड़ी तो है लेकिन मुझे लगता है कि चलने लायक की स्थिति में नहीं है। स्टेयरिंग वगैरह, सीट वगैरह सब कुछ ठीक है, पीछे भी बैठने की व्यवस्था है, दो लोग इस पर आराम से बैठ सकते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो लोग भी यहाँ पर पहुँचते हैं वो ज़रूर इस जीप के साथ तस्वीरें वगैरह खिंचवाते हैं, और कोशिश हो रही है कि इसे और सहेज कर रखा जाए। तो इसको क्या आप लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा सा बनाएं, मॉडिफाइड वगैरह करें? देखिए ओरिजिनल स्वरूप रखना, पूरे चालू कंडीशन में है ये, क्योंकि अच्छा। कोई चलाने वाला नहीं है, खड़ा है तो बैटरी डाउन हो गया, ये हो गया, अभी भी बैटरी वगैरह रिचार्ज कर दिया जाए तो फिर स्टार्ट हो जाएगा, चलेगा। और इसे उसी स्वरूप में रखने की एक जो मनसा या मैंने जो बसंत जी का, हेमंत जी का ये सोच है कि जिस स्वरूप में था उसी स्वरूप में ये जीप रहे, तो उससे पुरानी यादें ताज़ा होती हैं, तो उस ख्याल से इसे रखा। धीरज दुबे जी भी हैं, गढ़वा से आए हुए हैं, आप लोग देखते हैं तो क्या कुछ पता बताया गया इस जीप के बारे में? देखिए गुरु जी के जीवनी के बारे में जब पढ़ते हैं और उनके 19 सूत्री कार्यक्रम जो चलता था, रात्रि पाठशाला हो, महाजनों के खिलाफ जो उनका धन कटनी का आंदोलन चलता था, साथ में हड़िया दारू के खिलाफ वो समाज में जन जागरण करते थे, तो उस समय ये संघर्ष के समय जो है गाड़ी, ये वाहन उनके साथ थी, और आज वाहन वो अपने घर पर सहेज के रखे हुए हैं। उसके बाद उनके साथी को, जो उनके दोनों पुत्र हैं बसंत सोरेन जी और हेमंत सोरेन जी, भी इसको लाड़ प्यार से यहाँ पे रखे हुए हैं। तो इससे समझ में आता है कि संघर्ष के समय में जो कोई भी या जो कुछ भी गुरुजी का साथ दिया था उसके प्रति गुरुजी का अद्भुत लगाव है, और उसके प्रति सम्मान परिवारों का भी है। आज कार्यकर्ताओं को भी ये देख के समझ में आता होगा कि गुरुजी अपने लोगों के प्रति, क्योंकि वो लड़ाकू प्रवृत्ति के थे, अपने लोगों के साथ खड़े होते थे,
और इसी का परिणाम था कि जो वो देखे कि कैसे जमीन हड़प ली जाती थी सुदखोरों के द्वारा, तो वो अपने लोगों के लिए तीर कमान लेके अपने समूह के साथ अपने आर्मी के साथ जो है वो खड़े हो जाते थे। तो ये हम लोगों को प्रेरणा देता है कि संघर्ष के समय जो कोई भी आपके साथ खड़ा हो या जो कुछ भी आपके साथ खड़ा हो उसको सहेज के रखना है, नहीं तो ज़्यादातर लोग होता है कि वाहन पुरानी हो गई उसको बेच देते हैं। लेकिन आज ये इससे ये सबक हम लोग को मिलती है और गुरुजी का आंदोलन, गुरुजी का संघर्ष, गुरुजी का जो त्याग है वो अपने समाज और झारखंड के प्रति बहुत ज़्यादा है। इससे एक सीख मिलती है कि जीवन में अगर कुछ पाना है, अपने प्यार पाना है लोगों का, तो उसके लिए त्याग करना पड़ेगा, उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा और उसके लिए कुर्बानियाँ भी देनी पड़ेगी। और कई कुर्बानियाँ भी उनको देनी पड़ी, कई बार जेल जाना पड़ा, तभी जाके झारखंड अलग हुआ। और आज जो झारखंड में रहने वाले लोग हैं उनको इस भावना से जरूर ये गदगद होते होंगे कि शिबू सोरेन जी कहाँ रामगढ़ के गोला से निकले और नेमरा से, और उसके बाद फिर इस तरह से झारखंड को अलग राज्य का दर्जा दिलाया। बिल्कुल, तो देखिए ये जीप जो है उसी का जीता जागता उदाहरण है, और ये जीप इसलिए रखा गया है कि ताकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो भी कार्यकर्ता, खास करके युवा कार्यकर्ता, जो आज के डेट में किसी को स्कॉर्पियो पर खड़े होकर, जीप पर खड़े होकर बोलते हुए सुनकर आकर्षित हों, तो वो जीप उन्हें एहसास दिलाए कि किस तरह शिबू सोरेन 70 के दशक से ही ऐसे जीप से घूम घूम कर लोगों के बीच जो है जागरूकता फैलाने और एक आंदोलन का नेतृत्व करने का काम करते थे। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार, 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स, 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18th अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। Followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in.